मोमिनीन की रूहें वादियो सलाम में मुंतकिल होती हैं। वादियो सलाम कूफे के पीछे एक जगह है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र कूफे के पीछे नजफ में है, जहां आपका जसद मुबारक दफन है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दफन की जगह हजरत नूह के दफन की जगह है, जो कूफे के पीछे वाक़े है। वादियुस्सलाम खुदा की इबादत का सबसे पहला मकाम है, और यहीं फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया। क़यामत के दिन 70,000 लोग कूफे के पीछे से महशूर होंगे, और सूरज और चांद की तरह चमकते हुए बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। और एक रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कूफे के पीछे इमाम अली की दफन की जगह के नज़दीक दफन हुआ है। एक और खसूसियत जो इस मकाम को हासिल है कि क़ायम आले मुहम्मद हज़रत मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह ज़हूर के वक्त अपने मिंबर को कूफे के पीछे करार देंगे। खाने काबा के चार अरकानों के चार पत्थरों में से एक पत्थर कूफे के पीछे से है, और बाकी तीन सफ़ा और मरवा और तूरे सीना से हैं। वादियुस्सलाम तमाम अंबिया हज़रत आदम से हज़रत खातिम के नमाज की जगह है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने मेराज के सफ़र में हिजाज से बैतुल मुकद्दस के रास्ते में हज़रत जिब्राइल के कहने पर वादियुस्सलाम में रुके और नमाज पढ़ी। मोमिनीन की रूहें अपने सफ़र में जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त में जगह लेती हैं, और जन्नत की नेमतों से फ़ायदा हासिल करती हैं, और खुदा से क़यामत के जल्द वाक़े होने की दुआ करती हैं। हुब्बे अरमनी कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कूफे के पीछे वादियुस्सलाम में खड़े थे, जैसे किसी से बात कर रहे हों। मैंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, बैठिए और आराम कीजिए। आपने फरमाया, ए हुब, जो तुमने देखा कुछ नहीं था मगर ये कि मोमिनीन से बात कर रहा था। अगर जो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लिए भी कशफ होता तो देखते कि मोमिनीन गुरोह की सूरत में बैठे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मोमिनीन नहीं मरते मगर ये कि उनकी रूहों से कहा जाता है कि वादियुस्सलाम में दाखिल हों। बेशक वादियुस्सलाम जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। बेहतरीन पानी ज़मीन पर आबे जमज़म है, जो जन्नत से जारी होता है, और बदतरीन पानी आबे बरहूत, जो हिज्रुल मौत में से है, कि काफिरों के सरदार वहाँ से पियेंगे। किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, लोग कहते हैं फुरात का पानी जन्नत से आता है, हालांकि आबे फुरात एक चश्मा है जो मगरिब में है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आबे फुरात उस जन्नत से आता है जो मगरिब में है, और मोमिनीन की रूहें रात को अपनी जगहों से परवाज़ करती हैं और वहाँ जाती हैं, और सुबह परवाज़ करते हुए वापस अपनी जगह पे आती हैं। खुदावंद आलम की जानिब से एक जहन्नुम मशरक़ में है,
کہ کافر اس میں داخل ہوتے ہیں اور اس میں زقوم اور حمیم کھاتے ہیں، جس کا ایک معنی پیپ بیان کیا گیا ہے۔ اور صبح وادی برہود جو یمن میں ہے واپس پلٹتے ہیں کہ اس کی آگ دنیا کی آگ سے شدید تر ہے۔ برہود جہنم میں سب سے بری جگہ ہے اور کافروں کے لیے ہے۔ کافروں کی روحیں اس جہنم کی آگ میں ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ خدایا قیامت واقع نہ ہو۔ برہود میں ایک کنواں ہے برہود نام کا، کہ مشرکین اس سے چرک آلود پانی پیتے ہیں، یعنی غلاظت سے بھرا ہوا پانی۔ کناسی کہتا ہے، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، گناہگار مسلمانوں کی روحوں کی کیا حالت ہوگی جبکہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تو قبول کرتے ہیں لیکن آپ کی ولایت وہ قبول نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ اپنی قبر میں رہ جائیں گے۔ اگر وہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور دشمنی نہیں رکھتے اور نیک کام بھی انجام دیتے ہیں تو ان کی قبر سے اس بہشت کی طرف جو مغرب میں ہے راستہ کھل جائے گا، تاکہ وہ اس راستے سے فائدہ حاصل کریں اس وقت تک کہ قیامت واقع ہو۔ اس وقت ان کا حساب کیا جائے گا، یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، اور ان کا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ دارالسلام کو دارالسلام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں رہنے والے ہر درد و غم اور مرض سے سالم ہیں، یعنی دور ہیں۔ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ قیام کریں گے تو 70,000 لوگ گزشتہ پیمبران کے خاندان اور مسلمانوں میں سے وادی السلام میں سے آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں گے، کہ اصحاب کہف، مالک اشتر اور ابو دجانہ بھی انہی میں سے ہیں۔ عالم برزخ میں صرف خالص کافروں اور خالص مومنوں سے سوال کیا جائے گا اور باقیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ عالم برزخ میں ہر کوئی اپنے مالکوں کے ساتھ محشور ہوگا اور ان کے مالک ان کے لیے محشور ہوں گے۔ آئمہ علیہ السلام اپنے شیعوں کے لیے فرماتے ہیں، ہم تمہارے لیے برزخ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں، انسانوں کی روحیں مرنے کے بعد غیر مادی بدن میں، جو ان کے مادی بدن کی تشبیہ ہے، ایک اور عالم میں داخل ہوں گے اور اس کا نام عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ عالم دنیا کی باطنی صورت ہے، اس لیے اس عالم، اس دنیا کی ہر جگہ عالم برزخ میں برزخی اور غیر مادی صورت رکھتی ہے۔ اس لیے دنیا کی زمین بھی عالم برزخ میں برزخی اور غیر مادی صورت رکھتی ہے، جو اس مادی دنیا کی باطنی اور ملکوتی صورت ہے۔ وادی السلام کا باطن، کہ جو کوفے کے پیچھے ہے، عالم برزخ میں سب سے اچھی جگہ ہے کہ خدا کی نعمتیں وہاں جمع ہوئی ہیں، اس لیے دارالسلام کی برزخی صورت سب سے اچھی اور سب سے عالی برزخی جنت ہے۔ دارالسلام کے ملکوتی حصے اور دارالسلام کے مادی حصے کی نسبت روح اور بدن کی نسبت کی طرح ہے،
या मानी और लफ्ज़ की नस्बत की तरह है। वादी बरहूत का बातिन जो यमन के हिजरुल मौत में है, आलम बरज़ख की सबसे बुरी जगह है, जो बरज़खी जहन्नम है और बरज़खी बरहूत बरज़खी सूरत और आखरत की जहन्नम से नाजिल हुई है। कुफार और मुशरिकीन के सालार हज़रत आदम के ज़माने से लेकर क़यामत तक बरहूत में दाखिल होंगे, ताकि क़यामत में आखरत के जहन्नम में डाले जाएं। खालिस मोमिनीन हज़रत आदम के ज़माने से क़यामत तक के जिन के अंदर कोई शिर्क व निफाक नहीं है, वादियुस्सलाम में जमा होते हैं। आलम बरज़ख की बाकी जगहें ना वादियुस्सलाम की तरह हैं और ना बरहूत की तरह, बल्कि इंसान के आमाल से वाबस्ता हैं कि खुशी भी उनमें है और नाखुशी भी। हर एक की कब्र का बातिन आमाल से वाबस्ता है, या जहन्नुम है या जन्नत, लेकिन ये जन्नत या जहन्नुम वादियुस्सलाम या बरहूत की तरह नहीं है, क्योंकि बरहूत खालिस जहन्नुम या आज़ाब है और जन्नत वादियुस्सलाम खालिस लज्जत है, जबकि बाकी जहन्नुम में कभी आज़ाब से रिहाई भी है, जैसा कि दूसरी जन्नतों में कभी नाखुशी भी है, क्योंकि ऐसे लोगों के आमाल और अकायद मखलूत हैं यानी मिले जुले। ऐसे सोलह शिया कि जिनका ईमान खालिस नहीं है, अपनी कब्र में यानी अपनी बरज़खी जगह पर रहते हैं, लेकिन दूर से वादियुस्सलाम की नेमतों से फ़ायदा हासिल करते हैं। फासिक शियों को बरज़ख में अज़ाब दिया जाएगा, लेकिन आखरत में उनकी शफ़ात होगी। अलबत्ता कुछ फसूक यानी गुनाह जैसे तर्क नमाज या शराब पीना इस्तस्ना हैं, क्योंकि ऐसे गुनाह कुफ्र के बराबर हैं। हत्ता ये लोग शफात से भी महरूम होंगे। बाज़ रिवायात में आया है कुछ ख़ास गुनाहों को अंजाम देने वाले मुसलमानों को इजाज़त नहीं है कि वो मुसलमान मरें, इसलिए मलाइका कहते हैं कि या बहैसियत ईसाई मरो या यहूदी। इस तरह की मज़ीद तहक़ीक़ी इल्मी और तारीख़ी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा निगहदार।